के हमारे केम मिस्त्री चैनल में आज हम आए हैं अतुल के मगर गांव में, जहां आज वेदांत स्कूल है, जहां आज तीन साल और चौथा साल पूरे होने को है। तो जहां आज यहां बड़ा फन फेयर महोत्सव रखा है, तो आज हमारे साथ है वेदांत स्कूल के प्रिंसिपल वंदना जी। तो आज हम वंदन से पूछेंगे। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, आज जो स्कूल में फन फेयर रखा गया है उसके बारे में। हमारा स्कूल का नाम है वेदांत मल्टी पर्पज स्कूल और 4 साल पूरे होने आए हैं स्कूल को। और सबसे बड़ा इवेंट साल का फन फेयर रखा है। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें करी हैं, जैसे स्टॉल्स लगाए हैं, खाने पीने के स्टॉल्स हैं और कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, सेल्फी स्टॉल है और कई चीज़ें ऐसी हैं। जैसे कि हमने बच्चों को अवार्ड्स भी दिए हैं। बच्चों को अवार्ड स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए है। सारी क्लासेस में से एक या दो बच्चों को अवार्ड्स मिले हैं, फर्स्ट और सेकंड, वो लोग अपने स्कूल क्लासेस में बेस्ट हैं। आज हमारे साथ है स्कूल के ट्रस्टी श्री खुशी शाह। तो आज हम ये सर से बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर, ये स्कूल के 3 साल मतलब पूरे हो गए और ये चौथा साल भी मतलब जून में ख़त्म होने वाला है। तो ये जो एनुअल आपने फंड से रखा है उसके बारे में। ये बच्चों के लिए हमने रखा है और बच्चे पेरेंट्स यहाँ आके एंजॉय करें और अपनी जो काबिलियत है वो यहाँ बताएं, इसके लिए इसका हमने यहाँ पे आयोजन किया है। सर, आपके स्कूल में प्ले ग्रुप से लेके 12th तक का है, तो कितने स्टूडेंट होंगे यहाँ पे? हमारे पास तकरीबन 550 बच्चे पढ़ते हैं और हर एक बच्चों का हर एक तरीके से स्पोर्ट्स है, स्टडीज़ है, उसमें विकास करने का हम लोग ने जिम्मेदारी लिया है और बच्चों और पेरेंट्स सब सेटिस्फाइड है हम सब से और हम लोग हमारा जो भी एफर्ट है वो पूरे बच्चे के पीछे लगाते हैं। हमारे साथ है स्कूल के कैंपस डायरेक्टर पीयूष पटेल। तो हम आज उनसे बात करें। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, ये फनफेयर के बारे में। सी, फनफेयर हमने इसलिए रखा हुआ है कि लास्ट 3 ईयर से हम एनुअल फंक्शन कर रहे हैं। इस बार पेरेंट्स की भी डिमांड थी और हमें भी लग रहा था कि कुछ नया किया है, तो भी फिलहाल हमने ऐसा सेट किया है, अरेंजमेंट किया है कि फनफेयर के अंदर मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स का एंड बच्चों का, तो उस हिसाब से हमने फनफेयर अरेंज किया है। एंड फनफेयर के अंदर हमने स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जो हमारी मेन प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्कूल की, जैसे जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारी जान बच्चों की, जो सबसे मतलब बिगेस्ट प्राइज इन द स्कूल, वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर हमारे, तो हमने वो अरेंजमेंट फनफेयर के अंदर किया हुआ है और वो पब्लिक के सामने बड़े स्टेज के ऊपर इनको प्राइज मिलनी चाहिए, वो अरेंजमेंट के हिसाब से हमने एनुअल फनफेयर सेट किया है। और नर्सरी से लेकर 12th तक का स्कूल है और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है वो 1st से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक का। मतलब अवार्ड जो मिला है इन लोगों को, तो किस तरह का स्टेप बाय स्टेप? यस, वी हैव सम सिस्टम फॉर दैट। हमारे पास एक पूरा सिस्टम है स्टूडेंट ऑफ द ईयर डिसाइड करने के लिए। वी हैव सिस्टम ऑफ एप्रिसिएशन कार्ड। एप्रिसिएशन कार्ड मतलब उसके अंदर कल्चरल से लेकर, एकेडमिक से लेकर, उनकी रेगुलरिटी से लेकर, बाहर जो वो कंपटीशन में पार्ट लेते हैं वहाँ पर कैसा परफॉर्म करते हैं, सारी चीज़ें इंक्लूड करके हमने एक अवार्ड बनाया है। वो एप्रिसिएशन कार्ड के पूरा कैलकुलेशन के बाद लास्ट में हमें पता चलेगा कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर कौन, जिसके एप्रिसिएशन कार्ड सबसे ज़्यादा हो गए क्लास के अंदर, वो हमारा स्टूडेंट ऑफ द ईयर। इन शॉर्ट, स्टूडेंट ऑफ द ईयर ट्रॉफी ऐसी है कि उसके अंदर सारी क्वालिटीज चेक हो जाएगी बच्चों की, तो उसके हिसाब से स्टूडेंट ऑफ द ईयर। मेरे साथ है आज सुजल। तो सुजल, आपको ये ट्रॉफी किस लिए मिली? फॉर द स्टूडेंट ऑफ द ईयर। इट्स अ वेरी नाइस अवार्ड फॉर मी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट दैट आई हैव गेट इट। सो आई एम टेलिंग टू स्टूडेंट्स दैट it's very nice award and all the students have tried their best and they have given their best, so it's nice and they run the competition in that way that all the students get into all the activities, so they can perform their best in all the activities. आज हमारे साथ है उर्वेश प्रजापति। नमस्कार। नमस्कार मैडम। वेदांत मल्टी पर्पज स्कूल सिविल रोड मगर पलसाड़ के द्वारा आयोजित फेब्रुवरी 2020 आनंद मेला यहाँ पे हम लोगों ने आयोजित किया है और इसके अंदर हम लोगों ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी दी है। इसके साथ साथ हमारे स्कूल के अंदर के जो एट्रैक्टिव टीचर्स है, जो इनिशिएटिव है, बहुत सारा वर्कआउट करते हैं, बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं दौड़ के लिए, डांस के लिए, कंप्यूटर एक्टिविटीज़ के लिए, स्केटिंग के लिए। तो यहाँ पे हमारे कुछ टीचर्स हैं, निकुंज पटेल, मिनी टंडेल, तो इन लोगों ने भी खेल महाकुंभ के अंदर पार्टिसिपेट किया था और इन लोगों को 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस के लिए
प्रोत्साहित करके ये लोग भी इनाम जीत के आए हैं। तो ऐसे टीचर यहाँ पे हमारे स्कूल के अंदर हैं और बच्चों को काफ़ी सारा प्रोत्साहन प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू बच्चों के विकास में अभ्यास के साथ साथ ये काफ़ी सारी चीज़ें भी उनको मजबूत बना सकती है, उनकी ज्ञान शक्ति और उनकी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्दी बनाने के लिए हम लोग काफ़ी सारा प्रयत्न कर रहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ मगध में, यहाँ विडन स्कूल में आज इतने इतना बड़ा आनंद मेला में यहाँ छोटे से लेके बड़ों तक में आज यहाँ आनंद ले रहे हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे केएम न्यूज़ टीवी चैनल। कैमरा मैन राजेश चौबे के साथ मैं रीटा पटेल गुजर वलसाड़ से।